नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम बात करने वाले हैं, ये जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है प्रयागराज, इसके द्वारा जो हाल ही में 5 भर्ती जो है उनके रिजल्ट और साथ में जो नोटिस है वो जारी किए हैं। और अगर आप इन नोटिस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो जैसे जब आप इनकी वेबसाइट पर आ गए, आपको यहाँ पर नोटिस बोर्ड दिखाई देगा जिसमें आपकी ये पांचों महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। और यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट A3E1/2021 लेक्चरर गवर्नमेंट आश्रमपति इंटर कॉलेज एग्ज़ाम लेक्चरर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। उसके बाद जो दूसरा नोटिस आया है, ये नोटिस रिगार्डिंग रहेगा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी वालों के लिए जनरल स्पेशल। उसके बाद जो तीसरा नोटिस आपका, ये रिजल्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 1/2021 मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पे है, ये ब्लड बैंक। चौथा जो रिजल्ट आया है आपका, ये देख सकते हैं मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी में एलोपैथी असिस्टेंट प्रोफेसर फोरेंसिक मेडिसिन में। उसके बाद जो पांचवा नोटिस आपका, ये रिजल्ट रहेगा शिक्षा एंड कौशल विकास विभाग में। तो यही 5 अपडेट हाल ही में जारी हुई है, तो इनको आप देख लेते हैं। पहले आपका जो आश्रमपति वाला जो रिजल्ट आया है नोटिस, वो देख लेते हैं। और ये आपका नोटिस जो आ चुका है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर विज्ञप्ति जो इसमें दी गई है, विज्ञापन संख्या A3E1/2021 दिनांक 18/6/21 के अंतर्गत विज्ञापित प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा 2021 के ये विषय थे गणित रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान हेतु मुख्य परीक्षा के लिए सफल निम्नलिखित अभ्यर्थियों के द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत पद हेतु उनके अभ्यर्थन को अनिवार्य अर्हता धारित न करने या स्नातक उत्तर के परीक्षा परिणाम की तिथि आवेदन पत्र अभिलेख जमा कराने की अंतिम डेट ये थी 19/7/21 के पश्चात की होने या आवेदन पत्र शैक्षणिक अभिलेखन संलग्न न होने के कारण निरस्त किए इन्हें निरस्त कर दिया गया है। और ऐसे अभ्यर्थियों का जो अनुक्रमांक है वो विषयवार यहाँ पर इसमें दिया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। कुछ रोल नंबर यहाँ पर इसमें जा दिखाए गए हैं और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुल कैंडिडेट यहाँ पर 6 इसमें दिखाए गए हैं। गणित के ये है रोल नंबर, भौतिक विज्ञान के कुल 5 है और रसायन के है ये कुल 6। तो ये इस प्रकार से है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इनके अभिलेख जमा करने की लास्ट डेट जो 19/7/21 थी और उसके बाद होने आवेदन पत्र शैक्षणिक अभिलेख संलग्न न होने के कारण निरस्त कर दिया गया है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर डिसेबल हुए हैं या कैंसिल कर दिया गया है, तो वो कैंडिडेट के नाम या लिस्ट ये नंबर यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। और नेक्स्ट जो यहाँ पर आया है आपका समीक्षा अधिकारी वाला नोटिस, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं, ये जो विज्ञप्ति दी गई है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आदि सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2021 की कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा दिनांक 11/10/2022 से 14/10/2022 तक आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आदि सूचना प्रत्यक्ष विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी। तो ये जो कंप्यूटर जो टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट, उसको लेकर ये जारी हुआ है। 11/10 से लेकर 14/10 तक आपका ये टाइपिंग टेस्ट होगा, तो उसी को लेकर ये नोटिस यहाँ पर जारी हुआ है। नेक्स्ट जो यहाँ पर नोटिस आया है आपका, ये रिजल्ट है ब्लड बैंक वाला, तो ये भी देख लेते हैं।
और यहाँ पर भी देख सकते हैं सूचना आयोग के द्वारा विज्ञापित संख्या 1/2021 विज्ञापन संख्या 38 के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में ये आपकी पोस्ट थी, सहायक आचार्य ब्लड बैंक के वैकेंसी थी ये 3। अनारक्षित पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु दिनांक 9 सितंबर 2022 को ये इंटरव्यू हुआ था, साक्षात्कार लिया गया था और साक्षात्कार के बाद माध्यमिक आयोग के द्वारा प्रश्नगत पद हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु सफल घोषित किया है। तो उनकी सूची यहाँ पर ये इसमें जारी हुई है। तो ये देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम और उसके बाद अभियुक्ति है यहाँ पर। और रिक्त पदों के सापेक्ष, ये जो रिक्त पद हैं इनके सापेक्ष उपस्थित एकमात्र अभ्यर्थी चयन के फलस्वरूप अवशेष 2 रिक्तियों को अग्रणित करते हुए निम्न अनुसार पुनः विज्ञापन किए जाने की संस्तुति यहाँ पर इसमें की गई है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें तो ये 3 वैकेंसी थी और कैंडिडेट 1 सिलेक्ट हुआ है, तो 2 रिक्त स्थान रह गई हैं यहाँ पर। तो इनके दोबारा से जाए विज्ञापन जारी किया जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर है नंबर 4 वाला असिस्टेंट प्रोफेसर फोरेंसिक मेडिसिन में, इसको भी देख लेते हैं। और ये जो आपकी रिजल्ट जो डिटेल है वो आ चुकी है और यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं सूचना जो यहाँ पर ये दी गई है। आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2021 विज्ञापन संख्या इतने के अंतर्गत ये पोस्ट थी आपके चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में सहायक आचार्य फोरेंसिक मेडिसिन के कुल 1 पद थे अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हेतु आरक्षित। पर सीधी भर्ती के द्वारा चयन हेतु दिनांक 8 सितंबर 2022 को ये इंटरव्यू लिया गया था और इंटरव्यू के बाद जो यहाँ पर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जो कैंडिडेट सफल हुए हैं उनकी सूची यहाँ पर जारी की गई है। तो ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम और उसके बाद जो यहाँ पर अभियुक्ति इसमें ये दी गई है। तो ये चौथा जो आपका रिजल्ट था। और नेक्स्ट जो यहाँ पर पांचवा जो आपका रिजल्ट आया है वो भी देख लेते हैं। और ये आपका पांचवा रिजल्ट है, यहाँ पर भी सूचना दी गई है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रधानाचार्य श्रेणी 2, उप प्रधानाचार्य, सहायक निदेशक कुल जो पोस्ट जो थी यहाँ पर 74 थी, 38 पद अनारक्षित, 20 पद उत्तर प्रदेश के और ये थे 9 पद उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं 7 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित तथा क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं हेतु 14 पद आरक्षित पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु आयोग के विज्ञापन संख्या इतना विभाग संख्या इतना दिनांक 19/11/19 के तहत विज्ञापन जारी किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष कुल 8,194 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। प्रश्नगत पद का साक्षात्कार ये 29, 30, 31 अगस्त 2022 को संपन्न हुआ था और साक्षात्कार हेतु आहूत अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या 176+177 माध्यमिक उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में थी, जिसमें से कुल 172 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। और साक्षात्कार के बाद माध्यमिक आयोग ने निम्नलिखित अभ्यर्थियों की को उक्त पद हेतु उपयुक्त पद और रिक्त हेतु ने मुख्य सूची में संस्तुत किया है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर इसमें ये सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। तो ये देख सकते हैं इनके यहाँ पर ये रोल नंबर है। तो ये जो आप यहाँ पर इसमें अपना रोल नंबर, नेम और ये जो श्रेणी अभ्युक्ति जो दी गई है वो चेक कर सकते हैं। और 4 पेज जो है इसमें आपका जो रिजल्ट है ये जारी हुआ है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 73 कैंडिडेट है जिनकी यहाँ पर सूची जारी हुई है।
प्रसंगत चयन से संबंधित रिट याचिका संख्या इतना रवि गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 30/8/22 को माध्यमिक आयोग उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश अनुसार एक पद का चयन परिणाम माध्यमिक न्यायालय के अग्रेतर आदेश तक रोका गया है और प्रसंगत चयन परिणाम उक्त रिट याचिका में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। तो कोर्ट केस वगैरह है, उसके बाद जैसे ही जज का निपटारा होगा तो ये जारी कर दिया जाएगा। तो यही जा 5 रिजल्ट अपडेट हाल ही में जारी हुई है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।